सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CBSE अपडेट्स में। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो कि CBSE से अभी अभी हो गई है, ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें कि आपको बताया गया है कि CBSE का एनुअल शेड्यूल क्या होने वाला है फॉर स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो कि 2024 में होने वाली हैं कंडक्ट। और एक बार और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं वो 2023 एक्टिविटीज़ से बिल्कुल हटके हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, और इनकी जो गाइडलाइंस हैं वो भी एकदम नए तरीके से उनको बाइंड अप किया गया है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि जो नया कैलेंडर है स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ का वो क्या कहता है और स्कूल्स को क्या करना होगा उसके लिए। तो पहली गाइडलाइन को अगर हम देख लें, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, अगर आप ऐसे ही CBSE की और अपडेट्स बिल्कुल टाइम पर लेना चाहते हैं तो। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को आप अपने रेगुलर एक्टिविटी शेड्यूल जो कि आपकी ईयर के फर्स्ट में ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है स्कूल में, उसमें आप इनको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आप इन सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट स्कूल में करा सकते हैं। इसके बाद आप सेकेंड गाइडलाइंस की तरफ अगर हम देखें तो सेकेंड गाइडलाइन कहती है कि आपको एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना होगा सो दैट इन सारी एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सारी जितनी भी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। थर्ड गाइडलाइन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया गया है एक नया ऐप लॉन्च किया है CBSE ने, CBSE ASAR ऐप, असर ऐप है ना, जहाँ पर क्या करना होगा स्कूल को एक नोडल टीचर का अपॉइंटमेंट देना होगा। नोडल टीचर मतलब हर एक्टिविटी के लिए एक नया एक अलग से टीचर जो है अपॉइंट किया जाए कि आपको इस पूरी एक्टिविटी की जिम्मेदारी उठानी है, या तो फिर एक कोई CBSE इंचार्ज बनाया जाए जिनके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज स्कूल में कराने की पूरी जिम्मेदारी दी जाए और अकॉर्डिंगली इन एक्टिविटीज़ की जितनी भी रिपोर्ट होगी वो CBSE असर ऐप पर आपको सबमिट करनी होगी। जैसे ही CBSE असर ऐप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है कि कैसे उसमें अपडेट करना है, वो भी अपडेट मैं आप तक जल्द ही पहुंचाऊंगी, उसकी भी टेंशन आप मत लीजिएगा जी। चलिए अब आ जाते हैं कि क्या स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन होने वाली है इसमें। तो इंश्योर आपको करना है कि ईच स्टूडेंट, मतलब आपके स्कूल में अगर मान लीजिए 1250 स्टूडेंट्स हैं तो इन 1250 में से हर स्टूडेंट कम से कम साल भर में एनी टू एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो ज़रूर करे, इतना आपको इंश्योर करना ही है। और इन एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाएगा उनके पोर्टफोलियो में as the part of internal assessment, internal assessment के रूप में आप इनके जो marks हैं जिनके portfolio में आप उसको add करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा stakeholders, यहाँ पर parents के बारे में बात किया गया है या guardians जो बच्चों के जिनके साथ बच्चे रह रहे हैं उनको proper time पे information दी जाए और उनको encourage किया जाए कि वो अपने बच्चों को भी साथ में encourage करें कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर आएगी, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं भी आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर ज़रूर आऊँगी, ठीक है। स्कूल हेड्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है कि स्कूल हेड्स जो हैं उनको अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो सारी एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और साथ ही साथ जितनी भी रिपोर्ट्स डलेंगी वो CBSE असर ऐप पर एफिलेटेड स्कूल्स एक्टिविटी रिपोर्ट पर डलेंगी जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसके ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगी कि आपको कैसे उसको डाउनलोड करना है और कैसे उसमें लॉगिन करना है। अब हम सीधे चलते हैं कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होने वाली हैं। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होने वाली हैं, ये जो कैलेंडर है ये आ चुका है आपके सामने स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ 2024 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी की एक्टिविटीज़ अगर आप देखें तो नेम ऑफ द एक्टिविटी है एक्सप्रेशन सीरीज़ जो कि क्वार्टर फोर, मतलब ये चार बार साल में इसको चार बार कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। इसके बाद इसका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। अब अगर हम देखें अप्रैल 2024 में अगर आप देखें तो पीयर एजुकेटर्स लीडरशिप प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फॉर फिफ्थ फेज़, ठीक है, अभी तक फोर फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी ऑनलाइन मोड में रहेगा। अगेन अप्रैल में से एक्सप्रेशन सीरीज़ आएगी, ये क्वार्टर वन वाली, ठीक है, ये ऑनलाइन रहेगी। फिर अप्रैल में 2004 में फिर से एक साइंस चैलेंज होगा,
ये भी ऑनलाइन होगा। जून में अगर आप देखें तो CBSE का रीडिंग चैलेंज जो कि इस बार भी हुआ था, पर थोड़ा सा लेट हो गया था। हालांकि ये दो बार हो रहा है साल में, बट इस बार भी हम देख लेते हैं कि ये फिलहाल फर्स्ट जो होगा 2024 का वो जून में होगा, ये भी ऑनलाइन होगा। 19 जून 2024 को नेशनल रीडिंग डे मनाया जाएगा, जिसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ जो कि आपको सुझाई जाएंगी, बाकायदा CBSE का सर्कुलर इसमें पास होगा, तो वो होगा। इसके बाद 21 जून 2024 को मनाया जाएगा सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे योगा, तो उसमें योगा एक्टिविटीज़ आप अपने स्कूल में कराएंगे। अच्छा, ये अगर आप अपने एनुअल कैलेंडर में शामिल कर लेते हैं तो बाद में आपको पता है ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार बार आपको CBSE की वेबसाइट पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके शेड्यूल में रहेंगी। आपको ये पता होगा कि कौन सी डेट को, कम से कम डेट वाइज एक्टिविटीज़ को तो आप जो है इंक्लूड कर ही सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले से ही एक्टिविटीज़ लेकर रखें बच्चों से, सो दैट जब रिपोर्ट देने की बारी आए तो आप जो है CBSE असर ऐप पर आसानी से रिपोर्ट दे सकें। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि जुलाई 2024 की एक्टिविटीज़ अगर आप देखते हैं तो ये एक्सप्रेशन सीरीज अगेन ये भी ऑनलाइन होगा। जुलाई और अगस्त में आर्यभट्ट गणित चैलेंज जैसा कि 2023 में हुआ था, ये भी ऑनलाइन होगा। जुलाई अगस्त में एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन भी होगा जो कि इस बार भी हुआ था, वो भी ऑनलाइन होगा। सेप्टेम्बर टू नवंबर में अगर आप देखें तो साइंस एग्जीबिशन की डेट्स होंगी, जो कि वेरियस वेन्यूज़ जो कि अक्रॉस कंट्री जो कि अभी चल भी रहा है रिसेंटली, मैंने आपको इसके बारे में अपडेट भी दिया था। सेप्टेम्बर टू नवंबर में एक और होगा, दैट इज़ CBSE स्पोर्ट एंड गेम्स कॉम्पिटिशन, जिसमें इस बार भी आपने पार्टिसिपेट किया था। अक्टूबर में अगर आप देखें तो अगेन होगा एक एक्सप्रेशन सीरीज़ क्वार्टर थ्री, और अक्टूबर नवंबर में आप देखें तो हेरिटेज इंडिया क्विज, जिसका रिज़ल्ट जो 2023 वाला है उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है, उसके ऊपर भी मैं जल्दी से एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगेन अक्टूबर टू दिसंबर 2024 में होने वाला है नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, तो ये जो है ऑफलाइन होगा एंड ये फैसिलिटेट कराएगा प्रिंसिपल्स को, सो दैट वो अपना स्कूल का जितना भी उनका अचीवमेंट्स है वो उनको शोकेस कर सकें। और एट द लास्ट दिसंबर में होगा CBSE नेशनल एडोलसेंस समिट जो कि दिल्ली में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एनुअल कैलेंडर है CBSE का, इस कैलेंडर को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आपको आराम से इसका एनेक्शन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा इस वीडियो में अगर आपको कोई भी और डाउट है या कुछ और भी आपके मन में चल रही है दुविधा, तो मेरा कमेंट सेक्शन ऑलवेज आप लोगों के लिए ओपन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपनी दुविधा का समाधान करने का मुझे मौका ज़रूर दीजिए। ऐसे ही अगर आप मेरे वीडियोज़ को चाहते हैं कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट लेकर आती रहूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं चलती हूं, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।